हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना। तो देखिए, सैंडविच थ्योरम क्या है। लेट एफ जी एंड एच बी रियल फंक्शन डिफाइन ऑन ए इंटरवल आई, ठीक है ना। इंटरवल आई मतलब ए टू बी, बी टू सी, इस तरीके से। मतलब ए टू बी एक इंटरवल होता है ना, मान लीजिए वो इंटरवल आई है। कनेक्टिंग ए एक्सेप्ट पॉसिबल एट ए। सपोज यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स लेस और इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई स्लैश, मतलब आई पूरा आई है ए को छोड़ के, ठीक है ना। मतलब ए जो है यहाँ पर अगर क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है ना। मतलब ए पॉइंट नहीं है, ए पॉइंट से यहाँ पर अगर ए पॉइंट है तो ए पॉइंट से आगे है, यहाँ से ए पॉइंट नहीं, ए पॉइंट के छोड़ के बाकी सभी पॉइंट से है ना, इसका मतलब ये है। एंड नंबर टू, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस एज ऑफ एक्स, ठीक है जी, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एंड इक्वल्स टू लिमिट एच एज ऑफ एक्स, एक्स लिमिट एक्स टेंस टू एज ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना। तो अगर ये यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स के बीच होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक मिनट, एंड जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, तो क्या होता है, जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, जी ऑफ एक्स यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट होता है, उसका वैल्यू भी एल होता है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एंड एच ऑफ एक्स का, दोनों का वैल्यू अगर एल हो जाए और एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स के बीच में अगर जी ऑफ एक्स हो जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसका प्रूफ, क्योंकि उसके बाद जो मैथ्स किए हैं इस प्रूफ के हिसाब से। तो प्रूफ देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ द लिमिट एप्सिलॉन टेंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा वन डेल्टा टू हम क्यों लिए हैं, क्योंकि टू फंक्शंस है, एक तो है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एंड और दूसरा है एच ऑफ एक्स, है ना। तो एफ ऑफ एक्स के लिए लिए हैं डेल्टा वन एंड एच ऑफ एक्स के लिए हैं डेल्टा टू। तो यहाँ पर अगर जीरो लेस देन मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन हो जाए तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। एंड अगर जीरो लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा टू हो जाए तो यहाँ पर एच ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये हमने कहाँ से लिए हैं, लिमिट का जो डेफिनेशन है डेफिनेशन से, है ना। तो उसके बाद देखिए, लेट डेल्टा इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा, तो डेल्टा हमने चूज कर लिया, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू के बीच में जो मिनिमम है, मतलब डेल्टा वन अगर मिनिमम वैल्यू हो जाए तो डेल्टा वन लेंगे, डेल्टा टू अगर मिनिमम वैल्यू हो जाए तो डेल्टा टू लेंगे। डेल्टा हमने डेल्टा वन एंड डेल्टा टू का मिनिमम लिया है ना, मिनिमम वैल्यू लिया है। देन जीरो लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा, ठीक है ना। मतलब दोनों फंक्शन के लिए यहाँ पर डेल्टा वन अगर हो जाए और डेल्टा टू भी हो जाए तो यहाँ पर जो दोनों है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एंड एच ऑफ एक्स माइनस एल ये लेस देन एप्सिलॉन। डेल्टा हमने क्या लिया है, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू के मिनिमम लिए है ना। तो यहाँ पर अगर डेल्टा वन के कंडीशन, मान लीजिए डेल्टा टू है इसका मिनिमम, तो यहाँ पर अगर डेल्टा जीरो जीरो लेस देन एक्स माइनस ए और लेस देन डेल्टा वन हो जाए तो डेल्टा वन से भी डेल्टा टू लेस देन है। तो इसे हम इम्प्लाइज कर सकते हैं, जीरो लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा टू, डेल्टा टू का ही मतलब तो डेल्टा हो जाएगा जब मिनिमम डेल्टा टू हो जाएगा। तो हम वहां से ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो ये तो हम बोल ही सकते हैं क्योंकि डेल्टा टू अगर मान लीजिए मिनिमम डेल्टा टू आ जाए और मिनिमम डेल्टा वन आ जाए तो रिवर्स हो जाएगा इसका, है ना। उसके बाद देखिए जो एल माइनस एप्सिलॉन है, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एल ये लेस देन एप्सिलॉन है ना। तो अभी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन लिया तो इधर आ जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, है ना। एक मिनट, यहां पर जो है एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एल
ये लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या लेना है, एल माइनस एप्सिलॉन। अभी एल माइनस एप्सिलॉन लेना है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ पर भी एल माइनस कर देंगे, है ना। तो एल माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एल, तो एल माइनस एफ ऑफ एक्स एंड प्लस एल लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ पर टू एल आ जाएगा। तो टू एल माइनस एफ ऑफ एक्स ये क्या आ जाएगा, लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर टू एल से माइनस कर देंगे तो एप्सिलॉन माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस टू एल माइनस एफ ऑफ एक्स ये लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन हो गया। तो अभी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये एल माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा हो जाएगा, है ना। देखिए टू एल की वैल्यू, 2l माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स, तो ये हो रहा है लेस देन l माइनस एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं l माइनस एप्सिलॉन लेस और इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल्स टू l प्लस एप्सिलॉन। मतलब यहाँ पर जो मॉड्यूलस था, है ना, मॉड्यूलस को यहाँ पर एप्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल एंड लेस देन एप्सिलॉन ये कर लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एल एल को इधर माइनस तो प्लस कर दिया यहाँ पर, और एल को और इधर भी प्लस कर दिया और यहाँ पर भी प्लस कर दिया, तो यहाँ से माइनस एप्सिलॉन प्लस एल लेस देन एफ ऑफ एक्स एंड लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन प्लस एल, ठीक है ना। ये लाइन यहाँ से आ गया, उसके बाद ये लाइन सेम टू सेम ये लाइन आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एफ ऑफ एक्स लेस देन लेस और इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स एंड लेस और इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स है, है ना। तभी एफ ऑफ एक्स जो है वो है एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स से बड़ा है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स से बड़ा है एच ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स से भी बड़ा है एल माइनस एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, तो ये अगर अगर आ गया तो हम ये कह सकते हैं जीरो लेस देन यहाँ पर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए जो है ये लेस देन है डेल्टा, दैट इम्प्लाई दैट जी ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट का जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई कर गया। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंस टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अभी देखिए प्रूव दैट कॉस एक्स लेस देन साइन एक्स बाई एक्स लेस देन वन फॉर जीरो लेस एक्स लेस लेस देन पाई बाई टू, ठीक है ना। तो ये जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से है, ये देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट है, आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी देखिए एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 22 में क्या है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू वन। अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर जो ये 21 था, एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21 में क्या है, कॉस एक्स लेस देन साइन एक्स बाई एक्स लेस देन वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉस एक्स लेस देन साइन एक्स बाई एक्स लेस देन वन, तो ये कॉस एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स है, साइन एक्स बाई एक्स जो है ये जी ऑफ एक्स है, और ये वन जो है ये एच ऑफ एक्स है। कहाँ पर निकालना है, एक्स टेंस टू जीरो, तो एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं, क्योंकि जो लिमिट एक्स टेंस, अगर ये सैंडविच हो गया, मतलब एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स के बीच में जी ऑफ एक्स सैंडविच हो गया, तो हम देख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इसके बीच में है, तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू जो एल आ जाएगा, एल के वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो हम अब निकालते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है, है ना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह पर जीरो पुट कर, कॉस जीरो दिस इज इक्वल्स टू वन, है ना। तो अभी लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, अभी एच ऑफ एक्स करेंगे, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन है ना, लिमिट एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वन, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रहा है वन, एच ऑफ एक्स की वैल्यू आ रहा है वन, तो जी ऑफ एक्स की भी वैल्यू वन आ जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स दिस इज इक्वल्स टू वन, ये हमने सैंडविच थ्योरियम से प्रूव कर लिया, ठीक है ना। तो देखिए वही दिया हुआ है यहाँ पर आंसर में कि एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल 21 ये कहता है कि द फंक्शन साइन एक्स बाई एक्स इज सैंडविच बिटवीन द फंक्शन कॉस एक्स एंड द कॉन्स्टेंट वैल्यू एक्स सॉरी वन है, देयरफॉर यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स इक्वल्स टू वन, एंड ये वन की वैल्यू भी तो लिमिटिंग वैल्यू तो वन ही होगा, है ना। तो इसीलिए ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो आ रहा है साइन एक्स बाई एक्स, ये आ रहा है वन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कॉस एक्स बाई एक्स निकालना है एक्स टेंस टू जीरो पर, तो कॉस वन माइनस कॉस एक्स दिस इज इक्वल्स टू टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये कॉस टू थीटा से आ रहा है ना, हम क्या जानते हैं कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये क्या टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ पर टू थीटा और वन माइनस कॉस वन माइनस यहाँ पर कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह पर हम कॉस टू थीटा पुट कर लेते हैं, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एंड थीटा बाई टू कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू दिस इज इक्वल्स टू टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये इलेवेंथ में आप जब पढ़े थे तब भी ये जो है ये जो फॉर्मूला था, है ना। अभी देखिए देन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, तो ये आ गया टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन एक्स बाई टू बाई एक्स बाई टू, एक्स बाई टू क्यों, क्योंकि हमें साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू पता है ये वन है, इसीलिए हमने यहाँ पर साइन एक्स बाई टू लिए हैं। और यहाँ पर देखिए टू साइन एक्स बाई टू, तो टू आ गया तो इसके नीचे है ना, और फिर बचा क्या एक साइन एक्स बाई टू, तो एक साइन एक्स बाई टू इधर लिख लिए, ठीक है ना। देखिए टू इंटू यहाँ पर था साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स बाई टू। अभी देखिए टू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, वो एक्स के नीचे में हम डिवाइड कर सकते हैं, तभी तो इंटू हो जाएगा टू बाई एक्स, तो टू ऊपर में आ जाएगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। तो अभी देखिए ये ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वन, वन इंटू लिमिट अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो जाए, तो दोनों में एफ ऑफ एक्स में एंड जी ऑफ एक्स में लिमिट लिमिटिंग वैल्यू लगता है, ये हमने लिमिट के जो फॉर्मूला है फॉर्मूला से देखे हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर वन आ गया एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई टू, तो साइन जीरो बाई टू, जीरो बाई टू मतलब जीरो, ठीक है ना। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या आता है, जीरो, तो इसका वैल्यू आ गया वन और इसका वैल्यू आ गया जीरो, तो वन इंटू जीरो दिस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल 23 एवेल्यूट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स बाई साइन एक्स, तो साइन थ्री एक्स के साथ तो हमने थ्री एक्स लिख लिया है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर हमने देखे साइन एक्स बाई एक्स जो है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये होता है वन, ठीक है ना, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो इसके लिए साइन थ्री एक्स लिख लिए, क्योंकि थ्री एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर एक्स मान सकते हैं, और थ्री एक्स लिख लिए उसके तो थ्री एक्स को हमें कहीं पर भी एडजस्ट करना है, तो इसीलिए ऊपर में थ्री एक्स ले लिए हैं और बाई साइन एक्स कर लिए हैं, तो इसका वैल्यू तो वन है ना। तो थ्री इंटू थ्री बाहर आ गया और साइन एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई डिवाइड कर लिए हैं और साइन एक्स बाई एक्स आ गया, तो थ्री इंटू यहाँ पर ये भी वन आ गया और ये भी वन, तो थ्री इंटू वन दिस इज इक्वल्स टू थ्री। और उसके बाद देखिए टेन एक्स डिवाइडेड एक्स है, तो टेन एक्स को हमने साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर लिया है, तो साइन एक्स बाई एक्स ये आ जाएगा वन और वन बाई कॉस एक्स, कॉस जीरो की वैल्यू है वन, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट जीरो की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस जीरो वन, तो वन बाई वन आ गया वन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ई फोर्टीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ई फिफ्टीन,
E15 देखिए, सो दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 3, 3 by x इक्वल्स टू 3। तो ये तो बहुत ही इजी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 3 by x, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 by 1 दिस इज इक्वल्स टू 3। एंड कैलकुलेट लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ये कैलकुलेट करना है तो इसका यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 1, तो 2 into 1 प्लस 5 into 1 का 1 का स्क्वायर प्लस 1 by 1 का स्क्वायर, तो 2 plus 5 into 1 by 2 दिस इज इक्वल्स टू 2 plus 5 by 2, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू 2 plus 5 by 2 दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 दिस इज इक्वल्स टू 9 by 2, 9 by 2 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है ना। देखिए उसके बाद थ्योरियम 4 से हम अगले वीडियो में देखेंगे, इतना तक आप लोग कर लीजिएगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आया तो कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।